हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिसिन रिव्यू टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टूडियो में जोरेम 5 mg कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। जोरेम 5 mg कैप्सूल का मेनली यूज हाई ब्लड प्रेशर की समस्या दूर करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ तक कि इस कैप्सूल का यूज हार्ट अटैक और ब्लड स्ट्रोक होने की संभावना को भी कम करने के लिए भी यूज किया जाता है। इंटास फार्मास्यूटिकल कंपनी की ये 15 कैप्सूल की स्ट्रिप आपको किसी मेडिकल स्टोर पर 124 रुपये में मिल जाएंगी। दोस्तों, बताई गई कीमत समय के साथ कम या ज़्यादा हो सकती है। यह कैप्सूल खरीदने के लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है या डॉक्टर के पर्ची पर मिलने वाली कैप्सूल है। बात करते हैं इस कैप्सूल में मौजूद कंटेंट के बारे में। जोरेम 5 mg कैप्सूल में रेमिपेरिल IP 5 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। बात करते हैं इस कैप्सूल की यूजेस के बारे में। डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। इस कैप्सूल का उपयोग हाई ब्लड प्रेशर होने की समस्या दूर करने के लिए, इसे दिल का दौरा आने की समस्या दूर करने के लिए भी यूज किया जाता है। इस कैप्सूल का उपयोग हार्ट फेल होने की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं। दोस्तों, इस कैप्सूल के अन्य यूज जानने के लिए आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। आपके डॉक्टर उनके अनुभव से इस कैप्सूल के इस्तेमाल अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। बात करते हैं इस कैप्सूल के डोसेज के बारे में। दोस्तों, आप अपनी समस्या अपने डॉक्टर को बताकर इस कैप्सूल का डोस उनसे निश्चित कर ले। याद रखें दोस्तों, इस कैप्सूल का डोस आपके ब्लड प्रेशर पर निर्धारित रहता है। यदि आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो तो इस कैप्सूल का डोस भी ज्यादा होगा। इसलिए आप अपना ब्लड प्रेशर अपने डॉक्टर से चेक करवा कर इस कैप्सूल का डोस उनसे निश्चित कर ले। इसे अपने मन से घर पर न ले। साइड इफेक्ट, इस कैप्सूल के इस्तेमाल से होने वाले दुष्प्रभाव। यदि आपको इस कैप्सूल में मौजूद कंटेंट एलर्जी है तो आपको पता है कि कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको पता है कि कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस कैप्सूल के इस्तेमाल से आपको चक्कर आना, सुस्ती, सिर दर्द, थकान, मितली, उल्टी, ब्लड प्रेशर कम होना, ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इस कैप्सूल के यूज करते समय सावधानियां। अगर आप पहले से भी कोई अन्य मेडिसिन, टैबलेट, सिरप ले रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दे। इस वजह से इस कैप्सूल के ड्रग इंट्रैक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। गर्भवती महिलाएं इस कैप्सूल का यूज न करें। दोस्तों, इस कैप्सूल के इस्तेमाल के पहले या इस्तेमाल के बाद अल्कोहल का प्रयोग न करें, इससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और मेडिसिन रिव्यू टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही मेडिसिन रिव्यूज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।